भारत में SUV गाड़ियों की यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स की डिमांड पिछले 3-4 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है, इसीलिए इस सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ा है तो बहुत सारी जो कंपनीज है वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, नए नए फीचर्स डाल रही है। टोयोटा ने यही किया, अपनी हैचबैक कार लीवा और अपनी सेडान कार इटियोस को मर्ज किया, उसको क्रॉस किया और बना दी अपनी कॉम्पैक्ट SUV इटियोस क्रॉस जो मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। आइए पावर ड्राइव आपको ले चलता है इसकी टेस्ट ड्राइव पर ताकि आप जान सके इसकी खूबियों और खामियों के बारे में। टोयोटा ने हाल ही में अपनी गाड़ी इटियोस क्रॉस को भारतीय बाजार में उतारा है। क्रॉस टोयोटा की ही गाड़ी इटियोस का बड़ा वर्जन है। अगर बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर्स की तो इसका फ्रंट लुक आपको काफी इम्प्रेस कर सकता है। फ्रंट में आपको ये ब्रॉड ग्रिल मिलेगा जो इस अर्बन कार को एक बोल्ड लुक देता है। बम्पर पर आपको एयर इंटेक्स और फॉग लाइट्स मिलेंगे। कार में सिर्फ एक फ्रंट वाइपर है जो थोड़ा अटपटा लगता है। अगर आप कार के साइड प्रोफाइल पर नजर डालेंगे तो आपको प्लास्टिक गार्ड्स का यूज नजर आएगा जो इसे रग्ड लुक देता है और सुरक्षा के लिहाज से भी ज्यादा मजबूत नजर नहीं आता। इसमें 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स फिट किए गए हैं जो काफी अट्रैक्टिव हैं। टोयोटा की क्रॉस में आपको सिल्वर कलर रूफ रेल्स भी मिलेगा जो इसके साइड प्रोफाइल को स्टाइलिश बनाता है। इसकी डिक्की का स्पेस आपको इस सेगमेंट की इको स्पोर्ट और डस्टर से थोड़ा कम ही मिलेगा। अगर इस गाड़ी के इंटीरियर्स की बात की जाए तो इसके डैशबोर्ड को ब्लैक टोन में डिजाइन किया गया है पियानो शेप्ड कंसोल और डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ। गाड़ी के इंटीरियर्स आपको काफी प्रीमियम लगेंगे लेकिन इसका सेंट्रल कंसोल आपको कुछ बल्की और हैवी लग सकता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इटियोस में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है जो काफी कंफर्टेबल और स्टाइलिश है। क्रॉस में बड़े आराम से 5 लोग बैठ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। पिछली सीट को बेहतर लेग स्पेस मिले इसके लिए कंपनी ने कार के व्हील बेस को 2460 mm रखा है। कंपनी ने कार में वेलवेट मटेरियल की सीट्स फिट की हैं जो गर्मी के लिहाज से अच्छी नहीं कही जा सकती। सीट्स पर आपको व्हाइट स्टिचिंग मिलेगी जो स्मार्ट लगती है। इसमें आपको कई छोटे छोटे स्टोरेज स्पेस मिलेंगे जैसे कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स। इसके अलावा इसमें डिजिटल ट्रिप मीटर, रियल डिफॉगर, नेविगेशन, GPS जैसे फीचर भी ऐड किए गए हैं। इटियोस क्रॉस में आपको वही पुराना 1.2 लीटर इंजन मिलेगा जो 79 bhp की पावर जनरेट करेगा। इसके डीजल वेरिएंट में आपको 1.4 लीटर इंजन मिलेगा जो 67 bhp की पावर देगा। गाड़ी का वेट कम होने की वजह से ये कार काफी फ्यूल एफिशिएंट है। कंपनी का दावा है कि ये 1 लीटर में 17 से 23 किलोमीटर तक की माइलेज देगी। इसका पेट्रोल वेरिएंट सिर्फ 14 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं इसका डीजल इंजन 18 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ता है। इटियोस क्रॉस का पावर पिकअप शानदार है, चाहे वो हाईवे हो या सिटी ड्राइव, कार से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, खराब रास्तों पर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कम है। टोयोटा ने इसमें सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा है। क्रॉस में आपको ड्यूअल एयरबैग्स मिलेंगे ABS, EBD और सेंट्रल लॉकिंग फीचर्स के साथ। इस कॉम्पैक्ट SUV का मुकाबला भारतीय बाजार में मौजूद फोर्ड की सफल कार इको स्पोर्ट, रेनो की डस्टर और निसान टेरेनो से होगा। टोयोटा ने दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 5,76,000 से 7,41,000 रुपए रखी है।